हेलो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स टॉपिक में कई डिफरेंट तरीके के ग्राफ पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर केस में, तो उसमें वन बाई वी वर्सेस वन बाई यू ग्राफ पूछा जाता है, फिर वी वर्सेस यू ग्राफ पूछा जाता है, जहां पर वी इमेज डिस्टेंस होता है और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि जो ग्राफ्स हैं किस तरह से प्लॉट करेंगे, और अगर हम ग्राफ जो है प्लॉट कर पाएँ तो उस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है ना। स्पेशली ये जो ग्राफ्स हैं सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तब होते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल हो। रियल ऑब्जेक्ट केस में हम लोग क्या करते हैं, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और उस केस में इमेज जो है वो कहाँ पर बनता है, कितना बड़ा बनता है, इन्वर्टेड बनता है या इरेक्ट बनता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होती है अगर ऑब्जेक्ट रियल हो तो। लेकिन वर्चुअल के केस में हमें बहुत ही कम पता है ना। तो उस केस में क्या होता है, ये जो ग्राफ्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, है ना। तो इसलिए हमें जो है ग्राफ सीखना चाहिए। तो हम लोग आज जो है जो कर्व मिरर से रिलेटेड ग्राफ पढ़ेंगे, और सबसे पहले देखेंगे वन बाई वी वर्सेस वन बाई यू ग्राफ, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैंने ऊपर एक कर्व मिरर बनाया है, ये कॉनकेव मिरर है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग फेस है वो लेफ्ट साइड में है ना, और जो सिल्वर्ड फेस है वो राइट साइड में। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टिंग फेस की तरफ से आएगा, इधर से आएगा इंसिडेंट रे। तो पोल से राइट साइड में जो है ये पॉजिटिव माना जाएगा डिस्टेंस, और पोल से लेफ्ट साइड में निगेटिव माना जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग जो जो नॉर्मल जो कर्व मिरर का फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे, वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ, इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अगर u u पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि u पॉजिटिव होने का मतलब है कि मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट चला गया। मिरर के पीछे जो है वो रियल ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। अगर रियल ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे रखेंगे तो वहां से जो लाइट आएगा वो रिफ्लेक्टिंग फेस पर पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो रियल होगा, मिरर के सामने अगर इमेज बन रहा हो तो रियल होगा, और मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट हो तो वर्चुअल होगा, मिरर के पीछे अगर इमेज बन रहा हो तो वो भी वर्चुअल होगा। तो मिरर के पीछे यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव होगा, है ना। तो U अगर निगेटिव हो तो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज रियल। उसी तरह से इमेज केस में अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो, यानी इमेज जो है मिरर के पीछे बनेगा इस साइड में, तो कह सकते हैं कि इमेज जो है वो वर्चुअल होगा, है ना। और इमेज डिस्टेंस अगर निगेटिव आ जाए तो इमेज रियल होगा, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना है, मिरर के सामने रखा हो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इधर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा इमेज बनेगा तो रियल होगा, और मिरर के पीछे जिधर सिल्वर्ड फेस है अगर इधर ऑब्जेक्ट होगा या इमेज होगा तो वर्चुअल होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इसके हिसाब से जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना, ग्राफ हम लोग यहां पर प्लॉट करने वाले हैं वन बाई वी वर्सेस वन बाई यू, ठीक है, वन बाई वी वर्सेस वन बाई यू। तो देखेंगे यहां पर ये वन बाई वी रखेंगे और इधर वन बाई यू रखेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहां पर u भी पॉजिटिव होगा, v भी पॉजिटिव होगा, है ना। यानी कि इस क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ होगा तो वर्चुअल होगा ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी वर्चुअल होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, ठीक है। क्यों, v पॉजिटिव हो तो देखेंगे वर्चुअल इमेज होगा, और u पॉजिटिव हो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, u भी निगेटिव v भी निगेटिव, वन बाई वी निगेटिव वन बाई यू निगेटिव, है ना। तो अगर दोनों निगेटिव हो तो दोनों रियल होंगे, जैसा कि यहां बताया u निगेटिव हो तो ऑब्जेक्ट रियल, v निगेटिव हो तो इमेज रियल, है ना। तो इसमें रियल ऑब्जेक्ट और रियल
इमेज, ये बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 1/v पॉजिटिव है ना, और 1/u निगेटिव आएगा इधर, यानी कि u निगेटिव होगा और v पॉजिटिव होगा। तो v पॉजिटिव होने का मतलब है कि वर्चुअल इमेज होगा, और u निगेटिव होने का मतलब कि रियल ऑब्जेक्ट होगा इस क्वाड्रेंट में, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये u पॉजिटिव होता है, 1/u पॉजिटिव मतलब u पॉजिटिव, और इस क्वाड्रेंट में 1/v निगेटिव आएगा इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में। 1/v निगेटिव मतलब v निगेटिव, और v निगेटिव मतलब कि रियल इमेज। तो इस क्वाड्रेंट में रियल इमेज होगा, और u पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, है ना। u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, v निगेटिव मतलब रियल इमेज, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये पता कर लिया कि किस क्वाड्रेंट में किस टाइप का इमेज या ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें रिलेशन चाहिए 1/v और 1/u में, है ना। तो 1/v और 1/u में जो रिलेशन होता है वो होता है मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला हम सब जानते हैं, है ना, ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, है ना, ये हो जाएगा फॉर कॉनकेव मिरर। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि जो ग्राफ है वो क्लियर दिखे आपको, फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो एक्चुअली में निगेटिव होता है ना। जो एफ होता है उसको मैं लिख सकता हूं माइनस एफ, ये जो कैपिटल एफ है वो जस्ट डिस्टेंस है, आगे माइनस साइन लगा दिया तो ये जो है कोऑर्डिनेट आ गया, स्मॉल एफ जो है कोऑर्डिनेट्स है ना। ये यू वी और एफ क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना। और कैपिटल एफ जो है वो जस्ट डिस्टेंस है। जैसे अगर यहां देखेंगे, सपोज फोकस यहां पर हो, है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये एफ है। अगर फोकल लेंथ बताना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा माइनस एफ कॉनकेव मिरर केस में। तो कॉनकेव मिरर केस में एफ के जगह पर माइनस एफ रखेंगे, तो ये जो मिरर फॉर्मूला है अपने पास, इस मिरर फॉर्मूला में इस एफ के जगह पर मैं माइनस कैपिटल एफ रखूंगा, तो क्या आएगा, इक्वेशन आएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/-f, है ना। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/u माइनस 1/f। तो आप देखेंगे कि जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर 1/v है ना, तो मैं 1/v को y से रिप्लेस कर देता हूँ। x एक्सिस पर 1/u है, तो 1/u को मैं x से रिप्लेस कर देता हूँ, और 1/F जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं माइनस सी लिखूंगा। तो देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप भी निगेटिव और इंटरसेप्ट भी निगेटिव, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आएगा वो एक्चुअली में सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। इस ग्राफ को हम लोग ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो ये जो ग्राफ है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब ये हुआ कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, जब हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, तो उसमें रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल बनता है अगर फोकस और पोल के बीच में हो ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो इमेज जो है मिरर के पीछे बनता है जो कि वर्चुअल होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में हो जाएगा -1/f, ये वाला जो पॉइंट है, और ये हो जाएगा 0। ये जो पॉइंट है, ये जो 1/u वाला एक्सिस पर है उसका कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है -1/f, 0, ठीक है। और ये जो पॉइंट है
इसका आप देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा 0 कॉमा माइनस 1 बाई f, है ना, ये है। तो अगर ये तो हमने कहा कि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें जो है रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये ग्राफ जा रहा है यानी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनेगा, ये भी बनता है कॉनकेव मिरर में। आपको ध्यान होगा कि फोकस और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका रियल इमेज बनता है, ठीक है। अच्छा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ है वो कहता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी मिरर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज जो है मिरर के सामने बनेगा, ठीक है, और वो बनेगा फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। वो ध्यान रखेंगे, इसमें तो केवल इतना देख कह सकते हैं कि ये जो कॉनकेव मिरर है वो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो उस क्वाड्रेंट में जा ही नहीं रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि कॉनकेव मिरर कैन नॉट फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया नहीं जहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, तो कॉनकेव मिरर जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बनाया। तो ये केस हो गया किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स के लिए। मिरर फॉर्मूला अपना यही है ना, तो इसी फॉर्मूले में फोकल लेंथ की वैल्यू रखेंगे। खास बात यह है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज इक्वल टू प्लस एफ। एक्चुअल में जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव अपने आप होता ही है, इसका कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव जो है पॉजिटिव साइड में उसका फोकस आता है। अगर ये कहा जाए कि कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो इसका रिफ्लेक्टिंग फेस इधर है, लाइट रे इधर से जाएगा, यानी इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव लिया जाता है, तो ये पॉजिटिव और ये साइड निगेटिव, तो फोकस हमेशा चूंकि इस साइड में होता है इसलिए हमेशा फोकस फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है कॉन्वेक्स मिरर केस में, ठीक। तो अब जो मिरर फॉर्मूला था उसमें हम लोग स्मॉल एफ के जगह पर कैपिटल एफ वैल्यू रखेंगे और देखते हैं क्या रिलेशन आता है ना। तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई स्मॉल एफ जो है उसके जगह पर कैपिटल एफ रखेंगे, तो ये क्या रिलेशन आएगा, 1 बाई वी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर हम लोग 1 बाई वी रखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 1 बाई यू रखते हैं, ठीक है। इसमें चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, यू और वी दोनों निगेटिव होते हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, जैसा हमने कॉनकेव वाले केस में लिखा था बिल्कुल वैसे ही है, ये चीज बदलने वाला नहीं है। इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये चीजें नहीं बदलने वाली। कॉन्वेक्स के केस में भी हम लोग क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है वैसे ही रखेंगे अभी, है ना। तो यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ पर चूंकि यू निगेटिव आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो रियल ऑब्जेक्ट, और वी पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज, फोर्थ क्वाड्रेंट में यू पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वी निगेटिव होगा तो रियल इमेज, ये हो गया। अब इसमें हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ क्या कह रहा है, जो रिलेशन आया अपना यहाँ पर है ना, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिलेशन आया है, तो 1 बाई वी
वन बाई वी जो है वो वाई एक्सिस पर रखा गया है ना, वाई एक्सिस पर वन बाई वी है, तो मैं वन बाई वी को वाई से रिप्लेस कर देता हूँ है ना। वन बाई यू जो है एक्स एक्सिस पर है, तो मैं उसको एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ। वन बाई एफ कॉन्स्टेंट है तो उसको सी से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आया है ना, एक स्ट्रेट लाइन आया है जिसमें आप देखेंगे कि जो स्लोप है वो निगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना, स्लोप निगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा आएगा है ना। तो ये जो ग्राफ है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं गया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें ग्राफ आया है इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसी तरह से जो कॉन्वेक्स मिरर है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बना सकता है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आ रहा है। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बना सकता है, लेकिन ये रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनाता है ना। तो कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वहां ऐसा ही केस हमें देखने को भी मिलता है। हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हैं इमेज जो है वो इधर बनता है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो रियल होता है ना, ये ऑब्जेक्ट रियल होता है, लेकिन उसका इमेज हमेशा उस साइड में बनता है जिधर सिल्वर फेस है। और सोचिए उधर तो लाइट रे जा ही नहीं सकता इंटरसेक्ट करने के लिए, तो एक्सटेंड करके मिलाना पड़ता है, और इसलिए हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, रियल ऑब्जेक्ट कभी भी रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कभी नहीं बनता कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि यहाँ पर ध्यान में रखना है ना, ठीक है। अब ये तो हो गया वन बाई वी वर्सेस वन बाई यू ग्राफ, तो अभी जो है ये ग्राफ सीखते हैं। इसके बाद एक और ग्राफ आता है, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे समझने की, वी वर्सेस यू, वो ग्राफ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं है ना। वो ग्राफ आप देखेंगे तो उससे, उस ग्राफ को देख करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज का पोजीशन, मैग्निफिकेशन, रियल वर्चुअल, इन्वर्टेड इरेक्ट सब कुछ पता कर सकते हैं, स्पेशली जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं उसके लिए। रियल ऑब्जेक्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, समझ में नहीं आता कि कैसा इमेज बनेगा, कहाँ पर बनेगा, मैग्निफाइड होगा या डिमिनिश्ड होगा, लेकिन उस ग्राफ से हम लोग वो सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो V वर्सेस U ग्राफ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप जरूर समझें।